वेलकम बैक नाजीन। बात कर लेते हैं इस वक्त पुलिस की एक बेहतरीन कार्रवाई के हवाले से। वाइट करोला गैंग इस वक्त बड़ा मशहूर था ये गैंग, क्योंकि इस्लामाबाद में भी इसने कई वारदातें की थी। 65 से ज़ायद वारदातों के अंदर इस्लामाबाद के अंदर रजिस्टर्ड करवा कर आए खुद को। 15 के करीब कराची के अंदर इन्होंने वारदातें की। अब ये गैंग पकड़ा गया है, कराची पुलिस की अच्छी कार्रवाई है और इसके अंदर अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि जिन मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है उनसे तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद से भी इन्वेस्टिगेशन टीम कराची आ चुकी है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और जो लोग वहाँ पर इस्लामाबाद के रिहायशी हैं वो भी निशानदेही कर चुके हैं कि ये वारदातों में यही लोग मुलव्वस हैं, की शनाख्त भी हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वाइट करोला गैंग जिस तरह से काम करता रहा और गवर्नर साबिक गवर्नर सिंह जुबैर साहब के ऊपर भी हमला किया गया था तो उसमें भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट के अंदर नाम आया था, फिर मुख्तलिफ वारदातें करते रहे, एक दिन कराची के अंदर भी ये घूमते रहे, मुख्तलिफ मोबाइल्स इनके पीछे लगी रहीं। तो अब ये जिस तरह से इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो अब ये कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी कि ये पीछे कौन सा ऐसा ग्रो है, कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो काम करता दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर भी जो शनाख्त होगी उसके हवाले से भी अपडेट आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम का वक्त जो है वो इस वक्त ख़त्म हो चुका है और आपके फीडबैक का मैं मुंतजर हूँ जिस तरह से हमेशा रहता हूँ। अपना फीडबैक आपने मुझ तक ज़रूर पहुँचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।